हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक सक्सेना। वेलकम बैक टू सीरीज ऑफ आवर लेक्चर्स फॉर साइंस फॉर स्टेट बोर्ड। इन लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द फॉर्मूले। हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। दिस न्यूमेरिकल इज ऑन पेज नंबर 6। ओके, रिमेंबर पेज नंबर 6 पर हमारा ये न्यूमेरिकल है। ये पेज नंबर 6 पर आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स। अब आपको ध्यान में रखना होगा कि न्यूमेरिकल्स जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उसे एक मैथ्स के तरीके से आपको सॉल्व करना है। कि न्यूमेरिकल्स जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका एक सिंपल स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप जो भी लिखेंगे तो गिवन, आप सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि न्यूमेरिकल में हमें क्या डाटा दिया हुआ है। ओके, तो गिवन हम न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं कि क्या दिया है न्यूमेरिकल में। महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस 1 मीटर। मतलब सबसे पहले हमें दिया है 1 मीटर कि एक विराट है, सॉरी महेंद्र है एंड विराट है, वो डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे बैठे हैं, 1 मीटर डिस्टेंस पर। मतलब महेंद्र और विराट फ्रेंड्स हैं एंड वो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं। देयर मासेस आर 75 kg, मतलब 75 kg एंड 80 kg। तो महेंद्र का जो मास है वो 75 kg है एंड विराट का जो मास है वो 80 kg है। क्वेश्चन से ही मैं डाटा ले रहा हूँ। रिमेंबर 75 kg एंड 80 kg रिस्पेक्टिवली लिखा था, मतलब पहले महेंद्र का है और बाद में विराट का। वॉट इज द ग्रेविटेशन फोर्स? अब हमें पूछा है ग्रेविटेशन फोर्स कितना आएगा कि इन दोनों के। हमें पता है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, हम भी एक ऑब्जेक्ट ही है ना, वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ऑब्जेक्ट, हमारे भी मास है, जहाँ भी मास आएगा वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स का हमारा फॉर्मूला आएगा, क्या फॉर्मूला है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स का, जी एम वन एम टू बाय डी स्क्वायर, रिमेंबर। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर अब हम डाटा देखते हैं, इसके टर्म में हम लिख लेते हैं, ये जो 1 मीटर है वो डी हो गया हमारा, एम वन हो गया 75 kg, एम टू हो गया हमारा 80 kg। अब बोलेंगे सर जी की वैल्यू मैंने कल ही बताया था आपको, जी की वैल्यू कितनी होती है, हमने लास्ट पहले भी देख चुका है, 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर। ओके, जस्ट आपको ये सब वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करना है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, व्हाट विल बी द वैल्यू, जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁻ एम वन की वैल्यू कितनी है 75, एम टू की वैल्यू 80, डिवाइड बाई डी की वैल्यू 1 स्क्वायर का, तो वैल्यू 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर इस टाइप की न्यूमेरिकल्स में आपको कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आपके कैलकुलेशन थोड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए इन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए बेसिकली। तो यू विल ट्राई टू डू दिस वन। तो मैं अगर इसे सॉल्व करूँगा तो 75 × 80 इसको पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड इसको मैं 6.65 से मल्टीप्लाई करूंगा, हमारा इसका आंसर आएगा 4.002 × 10⁻⁷ और ये फोर्स है, रिमेंबर दैट ये फोर्स है, तो इसके यूनिट क्या आने वाला है, न्यूटन। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वैल्यू के साथ में इसका यूनिट लिखना कंपलसरी है, यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, सो दिस इज न्यूमेरिकल 1, होप आपको समझ में आया होगा। ओके, क्लियर। ओके, तो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल देख लिया। फर्स्ट न्यूमेरिकल में इज वेरी वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, पेज नंबर 6 का। हम अभी सेकंड न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। सेकंड न्यूमेरिकल इज फॉरवर्ड न्यूमेरिकल ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल को लगाकर सेकंड न्यूमेरिकल बनाया गया है। तो उसके लिए जो भी वैल्यूज फर्स्ट न्यूमेरिकल में आई, हमारा जो फोर्स का आंसर आया था, वो हमें यहाँ पर यूज करना होगा। अब मैं जब फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था तब मैंने कहा था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, लेकिन वो न्यूमेरिकल बहुत छोटा था तो स्टार्ट करते बराबर वो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें वो तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप्स कैसे यूज़ करेंगे। कोई भी फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैथ्स जैसे आप सॉल्व करते हो उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं आप, जस्ट मैं आपको स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आप क्या करते हो, गिवन लिखते हो, न्यूमेरिकल में गिवन लिखते हो। गिवन लिखने के बाद मैथ, गिवन निकाल होने के बाद आप टू फाइंड कि क्या निकालना है आपको न्यूमेरिकल में वो लिखना है। टू फाइंड के बाद आप क्या करते हो कि इसमें जो भी निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होगा या थ्योरम क्या होगा। ओके, फॉर्मूला लिखते हो और फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करते हो, उसमें वैल्यूज पुट करते हो, मतलब सॉल्यूशन सॉल्व करते हो। तो वैसे ही आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, तो तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल या केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल होते हैं तब बच्चे बहुत डरते हैं, खासकर फिजिक्स के न्यूमेरिकल पर। तो आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल्स पर। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको ध्यान में है तो मैं गिवन लिखने वाला हूँ सबसे पहले गिवन से। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की भी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या है, इन द अबव एग्जाम्पल अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच महिंद्रा इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस, मतलब महिंद्रा जिस बेंच पर बैठा है वो फ्रिक्शनलेस है,
मतलब उसको थोड़ा सा भी धक्का मिल गया तो वो चले जाएगा। जैसे कि हमारे नास फर्स्ट न्यूमेरिकल में फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 4.002 × 10⁻¹⁷ न्यूटन, जो कि बहुत ही छोटी वैल्यू है। इतनी छोटी वैल्यू में कोई ऑब्जेक्ट हिलता नहीं है, जीरो ही अप्रोक्सीमेटली ये जीरो वैल्यू है। बट फ्रिक्शन लेस ऑब्जेक्ट है, हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट थोड़ा मूव करेगा। फिर क्या कहा है कि स्टार्टिंग विद जीरो, विद जीरो वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो है, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी मतलब u, इनिशियल वेलोसिटी। आपको पता है कि स्टार्टिंग मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है। ये न्यूमेरिकल नाइन्थ क्लास से रिलेटेड है, अगर आपने नाइन्थ क्लास में फोर्स चैप्टर अच्छे से किया होगा तो आपको ये इजीली समझ जाएगा। ओके, देन व्हाट विल बी द माइनस वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड, मतलब टाइम दिया हुआ है, टाइम इज 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के बाद कितनी उसकी वेलोसिटी बनने वाली है। विल द वेलोसिटी चेंज विद टाइम, टाइम के हिसाब से चेंज होगी या फिर वो हम आगे देखेंगे। पहले हमें निकालना है, मतलब हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी वी टू फाइंड। हम लिख लेते हैं यहाँ पर टू फाइंड क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। अब ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन से रिलेटेड भी है लेकिन नाइन्थ चैप्टर के मोशन चैप्टर से ज़्यादा रिलेटेड है। जैसे कि हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना होता है तो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। कौन से फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए, हमें एक फॉर्मूला डायरेक्ट, हम वी का फॉर्मूला जो है हमारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस, डू रिमेंबर काइनेमेटिकल इक्वेशंस पता है आपको, तीन आपने पढ़े हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए एस। इनमें से कोई एक फॉर्मूला हमें यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। एंड हमारे पास में फोर्स है, फोर्स में से हम कुछ डिराइव कर सकते हैं, तो फोर्स का हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, अब आप सोचेंगे सर यहाँ पर हमारे पास इतने सारे फॉर्मूले तो हम यूज़ कौन सा करेंगे। देखो हमें निकालना है वी की वैल्यू, यहाँ पर वी नहीं है तो ये तो कैंसिल ही हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा निकाल सकते हैं, तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर एस है, हमारे पास एस और ए दो टर्म है यहाँ पर निकालने के, यहाँ पर एस ए हमारे पास नहीं है, एस हम एस चाहिए और ए भी चाहिए, दो टर्म निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पर वी भी है, यू भी है, टी भी है, सिर्फ ए नहीं है, तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, मतलब हम ये नहीं यूज़ करने वाले, हम ये इक्वेशन वी इजिकल्स यू प्लस ए टी यूज़ करेंगे। एंड वी इजिकल्स यू प्लस ए टी में हमें ए निकालना है, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके ए की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो चलो हम फिर सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, मतलब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। सी गिवन लिखा मैंने पहले, टू फाइव लिखा, फॉर्मूला लिखा, एंड अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हम सिर्फ ए निकालने वाले हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम ए, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स डिवाइड बाय मास। अब बोलेंगे सर मास किसका लेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पर महेंद्र ऑब्जेक्ट है, रिमेंबर महेंद्र ऑब्जेक्ट है, तो महेंद्र का मास लेना पड़ेगा। कितना मास था महेंद्र का, कितना था, 75 kg है ना, बहुत भारी है वो। ओके, एफ बाय एम, हाँ एफ बाय एम, तो एफ की वैल्यू हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल में आई थी 4.002 × 10⁻¹ डिवाइड बाई मास की वैल्यू है 75। अब ये एक्सेलरेशन, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग, डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 400.2 × 10⁻²⁰ × 10⁻¹ डिवाइड बाई 75, ये हो जाएगा। इसको आप फिर डिवाइड कर सकते हो इजीली, इसकी वैल्यू आएगी 5.34 × 10⁻¹⁹। एक्सेलरेशन है, इसको यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहता है, तो ए की वैल्यू हमारी आ गई। रिमेंबर जब भी आप आंसर लिखते हो तो इस तरीके से बॉक्स बनाओ, 5.34 × 10⁻¹⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका आंसर क्लियरली दिखेगा। या फिर यहाँ पर आप ऐसे आंसर लिखो, ये आंसर नहीं है तो हम इसको आंसर नहीं लिखने वाले हैं, ये हमारा आंसर नहीं, हमें क्योंकि वी निकालना है, ए नहीं निकालना है। ये ए की वैल्यू हो गई, अब हम इसे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू हमारी है यहाँ पर 0, 0 प्लस ए की वैल्यू हमारी है 5.34 × 10⁻¹, एंड टी की वैल्यू हमारे पास 1 सेकेंड है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 1, दिस वन विल बी, ये तो 0 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आती है, यहाँ पर आएगा 5.34 × 10⁻¹. अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बेटा, 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड यूनिट आएगा हमारा, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, तो इसको हम ऐसा आंसर करके आप लिख सकते हो या बॉक्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक के। अब क्वेश्चन में एक यहाँ तक इसी देखिए, हमने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा न्यूमेरिकल,
गिवन ढूंढा हमने, गिवन ढूंढने के बाद हमने टू फाइंड ढूंढा, टू फाइंड ढूंढने के बाद फॉर्मूला कौन से लगते हैं वो देखा, और हमें कौन सा यूज़ करना है वो चूज़ करना आना चाहिए, नहीं तो फॉर्मूला कौन सा, इतने सारे फॉर्मूला है। एंड इसके बाद फिर हमने वैल्यू पुट किए, जस्ट उसको सॉल्व करना है, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, वो तो अपने छोटे क्लासेस को पढ़ चुके हैं। अब ये हुआ न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल होने के बाद हमें एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा है, विल द वेलोसिटी चेंज विद टाइम, टाइम के हिसाब से चेंज होगी। तो ये जो क्वेश्चन है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो वेलोसिटी है, ये देखो वेलोसिटी डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन, क्योंकि यू तो जीरो था, वी इज इक्वल टू 80 हो गया था, वी यू जीरो था, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। एंड यहाँ पर देखना पड़ेगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा फोर्स पर। बट फोर्स, हमारा ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर, मतलब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, रिमेम्बर। तो अब यहाँ पर महेंद्र है और विराट है, ये महेंद्र धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, पहले 1 मीटर था, अगर महेंद्र आगे पास चला गया तो ये थोड़ा हो जाएगा 1/2 मीटर हो जाएगा। जैसे जैसे महेंद्र पास पास जाएगा तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम होते जा रहा है, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू कम होती जा रही है। जब ऐसी कंडीशन आएगी कि डिस्टेंस कम होते जा रहा है तब क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाएगी। फोर्स की वैल्यू बढ़ गई तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ गई तो वेलोसिटी की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये आपको सिक्वेंशियली लिखना पड़ेगा इस तरीके से, समझ में आ रहा है। एज महेंद्र एंड विराट आर गेटिंग क्लोजर, डिस्टेंस बिटवीन महेंद्र एंड विराट इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज इंक्रीजिंग, उनके बीच का फोर्स इंक्रीज हो गया, फोर्स इंक्रीज हो गया तो एक्सेलरेशन भी बढ़ गया, एक्सेलरेशन भी बढ़ गया तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, क्लियर। और ये सब आपको फिर लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी विल इंक्रीज विद द टाइम एंड हाउ, तो ये सब आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा, क्लियर है। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल तरीके से, अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं, कमेंट में आप कोई भी डाउट पूछ लीजिए मुझे, हम उस पर और डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेक्स्ट बुक से भी मैं रीड करके आपको बताऊंगा टेक्स्ट बुक में किस तरीके से सॉल्व किया है। ओके, तो पेज नंबर 6 के हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए, और अगेन इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको न्यूमेरिकल समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करके बताओ कि हमें समझ में आ रहा है, वो भी देख सकते हैं, एंड शेयर करते हुए सबको बोलो कि सब्सक्राइब करेंगे प्लीज़ एंड लाइक करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। ओके, बाय बाय।